जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये सब करम तुम्हारा है आका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इब्तिदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों का भेद खूब जानता है, देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से बेतहाशा दुआ सलाम। उम्मीद करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और पुरसकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हूँ, आमीन। आज बहुत खुशी का दिन है और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं भी अपनी मियाँ के नाश्ता बनाने लगी हूँ। चीनी ख़त्म हुई थी और इस डिब्बे में डाल दी है भाई, ठीक है, डाल के रख रही हूँ। मैंने लेनी थी अपनी दवाई, दवाई मैं लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा दूध भी गर्म हो जाए तो मैं कप निकाल के रख दूँगी, क्योंकि मुझे मेदे में तकलीफ़ होती है, इस वजह से मैं डर से थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ ताकि वो मुझे तकलीफ़ ना दे। जिसको काइंडली मेदे में तकलीफ़ होती है वो ज़रूर थोड़ा सा दूध ले लिया करें। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के ले लूँगी, साइड पर रख देती हूँ। और मेरा तवा बहुत गर्म हो गया है और ये मेरी बेडशीट थी कल मैं लाई थी, पता नहीं आपको सही वीडियो में नज़र आई। ये सिंगल सिंगल है, डबल नहीं है, लेने वैसे मैं डबल गई थी लेकिन उसी मिली मुझे सिंगल है और इनके साथ एक एक तकिया भी है। इनके एक अपनी चारपाई के लिए लाई हूँ और एक अपने बेटे के बेड के लिए लाई हूँ, सिंगल बेड है उसका। चले जी मिलते हैं अभी नाश्ते के बाद, फिर मैं आपको बताऊँगी क्या मुझे खुशी कैसे हुई। चले जी नाश्ता मैंने अपनी मियाँ को दे दिया है और दवाई मैंने ले लिया है और इसके बाद ये मैंने दूध में हल्दी मिला दी है, अभी बहुत गर्म है, साथ मैंने भी पानी पिया हुआ है दवाई लेके। तो जाहिर सी बात है एक गिलास पानी के साथ ही मैं कप दूध नहीं पी सकती, तो सो मैंने इसको रख दिया। ये पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा लगा है, तो मैंने कहा चलो रख दो। अभी मैंने चावल निकालने हैं, ओए होए होए एक हाथ से तो नहीं जाएंगे। तवा रख दिया था, अंडा बनाया था तो मैंने कहा धो के रख दूँ, ऐसे भी डेली धोने वाली चीज़ें होती हैं, ये अंडे वगैरह बनते हैं, पराठे बनते हैं, तो चावल बचे हुए थे मैंने कहा चलो रख दें, बच्चे शौक से खा लेते हैं और काम वाली आई तो उसको भी थोड़ा सा दे देंगे, वो शायद नाश्ता वगैरह करके नहीं आती है तो ठीक है। आपके घर में अगर कोई मुलाजम वगैरह काम करते हैं प्लीज़ उनका भी ध्यान रखा करें और उनसे पूछ लिया करें कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया, चाय पिया कि नहीं थोड़ा सा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे। ये मैंने पुलाव बनाया था, बड़े मज़े का बना था, चिकन का, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और खुशी की बात मैं बता दूँ कि मेरी एक जो वीडियो है जिसमें मैं वो जुमरात का दिन था तकरीबन मेरे ख्याल से, तो मैंने बनाई थी और उसको मैंने दुरूद के लिए मेरे ख्याल से काटा था, फ्रूट काटे थे और साथ में थे सालन था, मटन बना हुआ था और मटन शरजम मेरे ख्याल से बनाया हुआ था या खाली मटन मैंने बनाया था याद नहीं है मुझे, और साथ रोटी बनाई थी और पानी रखा हुआ था। तो और इस पे मैंने दुरूद शरीफ लगाया था, सल्लल्लाह नबीना सल्लल्लाह मुहम्मदिन, तो शायद इसी वजह से अल्लाह पाक ने मुझे इतनी कामयाबी दे दी है और मेरे माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर जो हैं 253 हो गए थे और पता नहीं लेस क्यों हुए, शायद गूगल वालों ने काटे हैं, 223 रह गए हैं। चलो ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देने वाला है और बस वही है जो कामयाब करता है इंसान को। तो कहते हैं ना वह तो इज़्ज़ु मंद शाह व तज़ल्लु मंद शाह है, जो अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त दे और जिसको ज़िल्लत दे, तो अल्लाह पाक हर इंसान को अपनी ज़ुमान में रखे, हर एक को इज़्ज़त दे, आप सबकी इज़्ज़त करें, हो सकता है क्या लोग आपकी भी इज्जत करना शुरू कर दें। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अल्लाह पाक उन पर अपना करम और फजल फरमाए और
अपनी रहमतों के साए तले रखे, उनको सेहत अता फरमाए। और मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनका किस तरह शुक्र अदा करूँ। ये मेरी खुशी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और ये बस मगरब का टाइम, हमारे मेहमान कल आए थे तो जैसे ही गए तो मैंने अपने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, तो मेरी चार्जिंग बहुत कम थी, 10% थी मेरे ख्याल से। लगाया तब मगरब के बाद, बस ऐसे ही होता है ना, बस क्रिएटर वालों को कि चेक करें क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या अपडेट है, क्या है। मैंने उसी टाइम कॉल की, वीडियो कॉल मैंने लेट बनाई थी और रात को मेरी पहुंची है वो वीडियो, और अब इंशाल्लाह आपको जल्दी ही पहुँच जाएगी। और ये मैं सुबह का टाइम और बना रही हूँ, इंशाल्लाह आपको मेरी खुशी के बारे में जल्द महसूस हो जाएगा। और चावल देख देख के मुँह में पानी आ रहा हूँ, बोटियाँ छोटियाँ हैं। आप भी आए और आप भी खाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा इसके साथ होंगी, इतनी मैं खुशी हुई है मुझे बेतहाशा तहे दिल से, बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा करती हूँ। जो और ये कहूँगी कि जो मुसलमान हैं बहन भाई अपने, जो बाकी भी इंसानियत के रिश्ते से जो है ना, जो भी कॉज से तल्लक रखते हैं चैनल, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत के साए के नीचे रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और उसी से उम्मीद लगाएं जो सबको देता है, बेशक इससे इसमें कोई शक नहीं है। और ये कपड़े मेरे फिर दोबारा से इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज गए हैं, मेरे छोटे बच्चों का पहला पेपर था और आज उनसे सुना जाएगा। और आसमान बिल्कुल क्लियर है, धूप से ही ज़बरदस्त किस्म की निकली हुई है। और मैं इधर आके खड़ी हूँ, और ये बस जूते ही फजूल किस्म के होते हैं, ये फट जाते हैं। बस दो चार दफ़ा मेरे ख्याल से पहने हैं, एक दो दफ़ा पानी भी गिले हो गए ये जूतों का कमाल। इससे अच्छे होते हैं ये रबड़ के होते हैं, प्लास्टिक के लिए वो बेहतरीन होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं लेने की। तो चावल डाल लेती हूँ और ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने घर की ज़्यारत नसीब फरमाए। और आपके तफैल अल्लाह पाक मुझे भी अपने घर की ज़्यारत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, और किसी के तफैल अल्लाह पाक मुझे भी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।